बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद सना। और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आए हैं आप सब व्यूवर्स के लिए। और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कि कच्ची अम्बी का जूस जो है वो कैसे बनता है। तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे पीसीज में हमने इसको काट लिया था, छिलका इसका सॉरी छिलका इसका उतार लिया था और इस तरह से ऐसे पीसेस में काट लिया था। अब हम एक देचकी में इसको डालेंगे और 1 लीटर पानी जो है वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और अब हम इसको उबाइल करेंगे। हाई फ्लेम रखनी है और इसको उबाइल तकरीबन 2 से 3 उबाइल जब पानी के आ जाएंगे तो फिर हम इसको उतारेंगे। ये देखिए गाइस, पानी जो है वो हमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया हमने। तो अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि 2-3 उबाइल जो है वो ना आ जाए, तब तक हमने इसको उबाइल करना है। ज़्यादा उबाइल नहीं करना, ठीक है। जैसे ही 2-3 उबाइल आए आपने उबाल लेना इसको। ये देखिए गाइस, कच्ची इमली का शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और ये 1 कप जो है वो शीरा हमने बनाया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। चीनी का शीरा बनाया हुआ था वो ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और ये कच्ची इमली का शरबत जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा होता है, खट्टा मीठा सा और ठंडा भी होता है। जिसम में जो गर्मी हो जाती है उसको ये निकालता है। बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है ये कच्ची इमली का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए गाइस, कच्ची इमली का शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत है। आप सब व्यूवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये आपको रेसिपी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।